चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे LG की 6.5 kg फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। यहाँ पर पूरा डेमो और एक मेरा तरफ से ओवरव्यू रहेगा इस वीडियो में। इसका मॉडल FHT1265ZNW है मॉडल नंबर, और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा, वो लास्ट में रहेगी वीडियो के। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा, ID स्क्रीन पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और सेकंड चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप वॉशिंग मशीन परचेस करना चाह रहे हो तो उससे पहले आपके घर में जहाँ पर भी आप वॉशिंग मशीन को लगाएंगे उसके पास एक वाटर इनलेट और एक 16 एम्पियर्स का एक प्लग अगर हो तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल प्लग नहीं चाहिए इसको, 16 एम्पियर वाला बड़ा सा बोर्ड जो होता है वो चाहिए। अभी ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डेमो करना है तो ये चीज़ें होना चाहिए, और जो टैप है इसका वाटर इनलेट का वो भी अलग होता है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका डेमो। मैं इसमें जो है क्लोथ्स डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर आज मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स वेयर का यूज़ करूँगा, जो वॉश प्रोग्राम है स्पोर्ट्स वेयर होगा। हालाँकि इसमें 14 वॉश प्रोग्राम्स है, वो भी अलग अलग टाइमिंग से है, पर ये मुझे लगा कि ये प्रोग्राम 54 मिनट्स का है और ओवरऑल क्लीनिंग जो है इससे अच्छी होती है, तो मैं इसी को लगभग ट्राई करता हूँ। इसमें आपको कॉटन मिक्स, कॉटन प्लस, क्विक 30, जेंटल केयर, इस तरह से 14 प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जिसमें 7 स्टीम प्रोग्राम्स होंगे और 7 विदाउट स्टीम। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हैं तो आप स्टीम प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो। तो आप जैसे कि देख सकते हो, अभी यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी है, सिर्फ यहाँ पर 2 बटन्स है फिजिकली। और ये रही पूरी प्रोग्राम की लिस्ट, वहाँ पर लिखा हुआ है स्टीम साइकिल्स ऑन द लेफ्ट, आप देख सकते हो पूरी स्टीम साइकिल है। मैं विदाउट स्टीम साइकिल की ओर जा रहा हूँ, और स्पोर्ट वेयर मैंने सिलेक्ट कर दिया है। टेम्परेचर भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर कोल्ड 10, 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 60, 95 डिग्री सेल्सियस तक के ऑप्शन आपको मिलते हैं। पर जैसे कि स्टीम वाली साइकिल नहीं है, तो वहाँ पर एटमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस का ही वाटर जो है टेम्परेचर आपको अवेलेबल होगा। तो मैंने यहाँ पर कोल्ड कर दिया है उसको, और RPM 800 RPM पे फिक्स है ये साइकिल, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो 200 या 400, उससे नीचे, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। जिस साइकिल में जो लिमिट दी है उससे नीचे आप चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर प्री वॉश और मेन वॉश का सेक्शन है, वहाँ पर मैंने जो वॉशिंग पाउडर है वो डाल दिए। राइट हैंड साइड पर प्री वॉश है और लेफ्ट पर मेन वॉश। तो यहाँ पर अभी ये बंद कर देते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से वॉशिंग पाउडर जो है मशीन के अंदर जाती है। अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ एक प्ले बटन है वहाँ पर, जो भी प्रोग्राम सिलेक्ट करना है उसके प्रोग्राम के ऊपर आपको नॉब घुमाना है और प्ले बटन दबा देना है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये वॉशिंग पाउडर जो है पूरी इसने अंदर ले लिए। अभी यहाँ पर ये तीन आपको जो निशान दिख रहे हैं, जहाँ पर क्लोथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्लोथ्स के जो निशान है, तो फर्स्ट अभी जो होगा प्री वॉश होगा, उसके बीच में है मेन वॉश, और फिर साइड में है ड्रेन। तो जब सबसे लास्ट में है जो स्पिनिंग होता है, यानी सिर्फ जो आपका पानी है वो उसमें से कपड़ों में से ड्राई करता है पूरा, वो भी कितना करता है वो भी देखेंगे आगे वीडियो में। अभी यहाँ पर ये मोटर को मिलती है 6 मोशन के साथ में, डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ मोटर मिलती है, तो इसमें अलग अलग मोशंस है ऑफकोर्स, और वो काम में भी आते हैं। अभी ये एक अपने जो क्लोथ्स है उसे उसके हिसाब से उसको इम्बैलेंस अगर है लोड तो वो फिक्स कर लेगा ऑटोमेटिकली, देख लीजिए यहाँ पर अभी वो थोड़ा। और ये शुरू हो गई भैया प्री वॉश की प्रोसेस, जो हम एक बकेट में कपड़े डालते हैं ना भिगोने के लिए, उसी तरह से ये फर्स्ट 15-20 मिनट्स ऑफ द साइकिल ये कपड़े भिगोता है इसमें। और यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट की वारंटी मिल जाती है 2 ईयर्स की, 10 ईयर्स की आपको इसके मोटर की वारंटी मिलती है, और 5-स्टार रेटेड है, एनर्जी एफिशिएंट भी है। आपको इसके इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है कितना लगता है मैं आपको बताऊंगा, कि 0.082 यूनिट्स पर केजी पर साइकिल जो है ना पर आवर के लिए लगता है ये। तो 4 केजी में आपको कम से कम 0.250 यूनिट लग जाएगा, इतना इसका इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है। और अभी
यहाँ पर कपड़े जो है प्री वॉश हो रहे हैं। तो अभी देखिए 45 मिनट्स से लगाई थी मैंने लगभग, 46 मिनट्स की, 33 मिनट चल रहा है अभी। ये जाएगा मेन वॉश में, प्री वॉश इसका जो है लगभग हो ही चुका है। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो आप, अभी ये दिखा रहा है मेन वॉश, और मेन वॉश जो है उसका शुरू हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम है और आपको जानना है कि कितना पानी जो है ये वॉशिंग मशीन यूज़ करती है, तो वो भी चीज़ मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए वीडियो को देखते रहिए। अभी ये मेन वॉश शुरू हो चुका है, इसका जो साउंड है वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो यहाँ पर वीडियो में दिख जाएगा आपको साउंड कितना आता है वॉशिंग मशीन का। बहुत लोगों का कंप्लेंट है वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है LG वॉशिंग मशीन्स या फिर कोई भी वॉशिंग मशीन्स में सच, पर इतना वाइब्रेशन नहीं लगा है। वाइब्रेशन एक आता है आवाज़ लगभग, अगर आप ज़्यादा कपड़े डालोगे इसमें या फिर ओवरवेट कर दोगे तो थोड़ा इनिशियली इसको स्टार्टिंग में वाइब्रेशन फील होता है, फिर एक बार लगने के बाद में कोई सच प्रॉब्लम नहीं आता है। पर डेली आपके क्लोथ्स की बात करें तो एज सच यहाँ पर कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं है। और आपको ये जो डिजिटल डिस्प्ले दिख रहा है वो एक्चुअली वहाँ पर आपको जो कुछ ऑप्शन मिलते हैं वो पूरे टच, ये टच पैनल है, तो आप इसे इजीली विद द हेल्प ऑफ टच यूज़ कर सकते हो। जो भी ऑप्शन से वहाँ पर आपको टच कर देना है। और इसमें अभी देखिए 17 मिनट्स बाकी है सिर्फ वॉश होने को, तो अभी ये 1-2 मिनट के अंदर ये मेन वॉशिंग स्टॉप कर देगा और जो कपड़े ड्राई होने का प्रोसेस है वहाँ पर चले जाएगा, यानी स्पिनिंग हो जाएगा, सिर्फ जो वाटर है पूरा एक्सेसिव वो फिर निकालने लग जाएगा ये वॉशिंग मशीन से। तो लास्ट के 15 मिनट्स ये ड्राइंग के लिए है, ड्राइंग टाइम है पूरा। तो यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन है आपके सेट किए हुए RPM पर ये घूमती है और पूरा जो आपका वाटर है उसको निकाल फेंकती है कपड़ों से बाहर। कुछ साइकल्स जो है बहुत लंबी है और कुछ साइकिल जो है बहुत छोटी है, यानी 30 मिनट्स तक भी है क्विक 30, और ऑन एन एवरेज 1 आवर की साइकिल आपको इसमें मिल जाएगी। पर अगर आप स्टीम वाले साइकिल्स प्रेफर करते हो और आपका क्लोथ सफिशियंट है तो 1.5 घंटे में आपको हो जाएगा, पर अगर बहुत ज़्यादा क्लोथ्स है और स्टीम या कॉटन साइकिल लगाते हो तो मोर देन 2 आवर्स का इसका साइकिल है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको एक वीक, वंस इन अ वीक या फिर वंस इन अ 10 डेज आप स्टीम साइकिल लगा सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा कपड़े गंदे हो तो आप ये स्टीम साइकिल प्रेफर कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रोज़ भी लगा सकते हो, पर इसका जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऑफकोर्स स्टीम यानी वाटर गर्म करना पड़ेगा इसको, तो वो एक चीज़ हो जाती है। अभी देखिए ये पूरा जो है ड्राई होकर निकल चुका है, अभी 1 मिनट दिखा रहा है, लास्ट का कुछ मोशन चल रहा है इसका अभी। तो ये होने के बाद में मशीन आवाज़ करेगी और ख़त्म हो चुका है एंड, तो ये हमें पता चल जाएगा, तो आपको इसके पास भी रुकने का काम नहीं है। और अभी देखिए ये पूरे क्लोथ्स जो है लिटरली बहुत ज़्यादा हद तक ड्राई हो चुके हैं, इसको आप समझ लीजिए एक 40-50% तक ये ड्राई हो चुके हैं। बाकी का ड्राई अगर आपको घर में भी सुखा के करना है तो वो भी आपके इजीली हो जाएंगे। तो बारिश के सीज़न में या फिर जब भी कोई प्रॉब्लम होता है कपड़े सुखाने में बाहर, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका जो काम है घर में भी हो जाएगा इजीली। और जितने ज़्यादा मोटे वाले कपड़े होंगे तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई होकर निकलते हैं, अगर पतले वाले कपड़ों की बात करें तो वो थोड़ा कम निकलते हैं, तो उनमें थोड़ा पानी रह जाता है, यानी एक सफिशिएंट 40% का उनका पानी निकल जाता है, 60% हो जाता है, पर मोटे वाले कपड़ों में लगभग 50-60% हो जाता है। कुछ कुछ कपड़े तो आप डायरेक्टली काम में ले सकते हो। तो ये चीज़ें थी, अभी वाटर का आपको बताया मैंने, दिखाया कि एक इतनी बकेट भर के अगर आपका क्लोथिंग है जिसको वॉश करना है तो 3 जो बकेट है वहाँ पर देखिए फुल भर चुके उसके लिए। तो ये बहुत सारे क्लोथ्स थे, आपको दिखे नहीं मुझे पता नहीं, पर उसमें बहुत ज़्यादा क्लोथ्स थे, तो सफिशिएंट रोज़ के कपड़ों में आपको लगभग 1.5 या 2 बकेट लगेगा, पर ज़्यादा अगर है तो आपको 3 बकेट तक का पानी लग सकता है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये ड्रेनेज पाइप है, और यहाँ पर कुछ अगर आपका नीचे कोई कॉइन है या फिर कुछ चीज़ें हैं निकल जाती है तो यहाँ से आप उसे कलेक्ट कर सकते हो। और एक नीचे पाइप भी है ड्रेनेज पाइप, जिसमें से आपको कुछ वाटर है रेसिड्यू वो निकाल देना है। इसको भी आप वंस इन 15 डेज़ इसको
साफ़ कीजिए। टब क्लीनिंग का भी फीचर जो है इसमें ऑटोमेटिक है, तो आपको वो भी टेंशन नहीं, वो तो लगभग हर वॉशिंग मशीन में मिल ही जाता है आपको, तो आप उसे वंस इन अ मंथ, वंस इन अ 20 डेज यूज़ कर सकते हो। इस तरह से अभी इसको भी साफ़ कर दिया है। लास्ट में और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो स्टीम साइकिल है वहाँ पर टाइम डायरेक्टली दिया नहीं होता है, वो अगर आप देखोगे तो वहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले दिख जाएगा आपको, पूरा ही न्यूट्रल डिस्प्ले। तो ये कपड़े डालने के बाद में ऑटोमेटिकली सेंस करता है। अभी देखिए, अब मैंने मिक्स पे लगाया था तो यह यहाँ पर अभी भी सेंस कर रहा है, ये पूरे कपड़ों को जो है सेंस करके उनके हिसाब से आपको टाइमिंग बताएगा। यहाँ पर क्लोथ्स जो है तो वो बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, मीडियम थे यहाँ पर क्लोथ्स, बहुत कम भी नहीं थे। तो यहाँ पर इस साइकिल के लिए देखिए, लगभग टाइम जो लगा है वो 1 आवर एंड 34 मिनट का इसने सेंस किया है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप इसको भी वंस इन अ 10 डेज यूज़ कर सकते हो स्टीम साइकिल्स को। अभी चलते हैं हमारे वीडियो की एंड की ओर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और किसी को भी कोई डाउट है कोई रिगार्डिंग इस वॉशिंग मशीन के वर्किंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं अगर मुझे लगता है कि डाउट सफिशिएंटली आते हैं तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर डाउट अगर छोटे हैं तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी कर दूंगा। तो यही था आज का पूरा वीडियो, पूरा वर्किंग, पूरा डेमो, पूरा ओवरव्यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।